दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, सर्दियों एवं ठंड के मौसम में हमारी जो त्वचा होती है वो रूखी एवं सूखी हो जाती है। इसके साथ ही हमारी त्वचा का नमी खत्म सा हो जाता है। साथ ही दोस्तों हम बात करें, हमारे त्वचा के कुछ जगहों पे, हमारे बॉडी के कुछ जगहों पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाती है, हमारी त्वचा कुछ जगहों पे काली पड़ जाती है, जस्ट लाइक वहाँ पे मैल सा जम जाता है। दोस्तों इन सारी चीजों के ऊपर इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे, तो वीडियो में आप बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा, सर्दियों एवं ठंड के मौसम में अधिकांश लोगों के अंदर यह देखने को मिलती है कि उनके जो स्किन होती है वो ड्राई पड़ जाती है, उसके जो स्किन होती है वो सूखी पड़ जाती है। इसके साथ ही दोस्तों स्किन के कुछ जगहों पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, ऐसा उनको लगता है कि उनके स्किन के ऊपर मैल सा जमा हुआ है, मैल सा इकट्ठा हो गया है। लेकिन दोस्तों हम बात करें उनके स्किन के ऊपर मैल ना होकर के, बल्कि स्किन का दोस्तों डेड सेल जो होते हैं वो उस जगह पे इकट्ठा होते हैं ताकि वह मैल सा प्रतीत होता है। दोस्तों सबसे पहले इसका कारण को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम कारण को जानते हैं। दोस्तों हमारा जो स्किन होता है उसके तीन लेयर होते हैं। सबसे ऊपरी लेयर में होती है दोस्तों एपिडर्मिस एवं डर्मिस। हमारे स्किन के लेयर के साथ साथ दोस्तों हमारे स्किन के बीचों बीच, हमारे स्किन के सभी भागों में, सभी पार्ट में रोम छिद्र पाए जाते हैं। रोम छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्विफ्ट ग्लैंड, पसीने का ग्रंथि। आप देखे होंगे गर्मियों के मौसम में, मौसम के गर्मी के कारण एवं बॉडी के गर्मी के कारण अधिकांश पसीना चलती है लोगों के अंदर, और पसीना जब चलती है तो वही ग्रंथि दोस्तों काम करती है, जिसे हम अपनी आंखों से देखेंगे तो वह शायद नहीं दिखेगी, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्विफ्ट ग्लैंड, पसीने का ग्रंथि। पसीना चलती है जिसके वजह से हमारी जो त्वचा होती है दोस्तों वह नमी बरकरार रखती है। नमी बरकरार रखने के साथ साथ हमारा जो डेड सेल होता है उसे रिमूव करने में, हटाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। यही दोस्तों कंडीशन ठंड एवं सर्द के मौसम में होती है। हम गर्म कपड़ों का सेवन करते हैं ठंड के मौसम में, सर्द के मौसम में। साथ ही दोस्तों हमारे बॉडी ठंड होने के साथ साथ, मौसम ठंड होने के साथ साथ पसीने नहीं चलते हैं और पसीना ना के बराबर चलते हैं, जिसके वजह से जो हमारा डेड सेल होता है वो बेहतर तरीके से रिमूव नहीं हो पाता है, बेहतर तरीके से बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके वजह से हमारा जो सेल का जो डेड सेल है हमारी स्किन के ऊपर चिपकी रहती है और हमें ये लगता है कि हमारे स्किन के ऊपर मैल जमा हो गया। नहीं दोस्तों, ये मैल ना होकर के हमारे स्किन के ऊपर डेड सेल है। दोस्तों हम बात करेंगे इन डेड सेल को हटाने का तरीका क्या है, हमें क्या करनी है जिसके वजह से हम सर्दियों एवं ठंड के मौसम में सेफ रहें और इन सारी चीजों से दोस्तों हम दूर रहें। इसके ट्रीटमेंट एवं उपचार की हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने स्किन को मॉइस्ट रखें। अपने स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए आप मॉइस्चराइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए आप बॉडी लोशन का भी उपयोग कर सकते हैं। पूरे ठंड के मौसम, पूरे सर्द के मौसम आप बॉडी लोशन का प्रयोग करें। इसके साथ ही दोस्तों सबसे जो बेस्ट होती है वह यह होती है कि आप जब भी स्नान करें, स्नान करते समय, या आप यह करें कि आप जब आधा स्नान कर लें, आधा स्नान करने के बाद आप कोई तेल का उपयोग कर सकते हैं बॉडी के ऊपर लगा करके, और फिर से आप पानी अपने बॉडी के ऊपर ले लें, जिससे सर्दियों एवं ठंड के मौसम में आपका जो बॉडी रहेगा वह ज्यादा से ज्यादा मॉइस्ट रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मॉइस्ट रहने के कारण यह होगी, यह दोस्तों आपका स्किन के ऊपर जो भी डेड सेल होगा वह रिमूव होते रहेगी। उसके बाद दोस्तों आप जब भी स्नान करें बिल्कुल गुनगुना पानी के साथ स्नान करें। कई लोग क्या होते हैं,
ठंड के मौसम में क्या करते हैं कि उनको ठंड लगती है, वह नहाने में आलस करते हैं, जिसके वजह से वह बहुत ज्यादा गर्म पानी को कर करके और ठंडा पानी को मिला करके स्नान करते हैं, जिससे वजह से ज्यादा गर्म पानी अपने बॉडी के ऊपर लेने से उनकी जो स्किन होती है वह जलने का भी चांसेस होता है, उनके स्किन जो होती है सेल डैमेज होने का भी चांसेस बनता है। तो आप ज्यादा गर्म पानी से ना नहाए, बिल्कुल गुनगुना पानी के साथ दोस्तों स्नान करें। हम बात करें दोस्तों सर्दियों एवं ठंड के मौसम में लोगों को धूप बहुत ही पसंद है, उनको बहुत ही प्यारा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धूप में रह करके घंटों बिता देते हैं दोस्तों, और यही घंटों बिताने का रिजल्ट होता है कि सूर्य का जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें जिसे बोलते हैं, वह हमारे स्किन को सामला करने का काम करती है, हमारे स्किन को ब्लैक करने का काम करती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप धूप में कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको धूप में बैठना पसंद है, आपको धूप में बैठना है, तो धूप में जाने से पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, धूप में बैठने से पहले आप दोस्तों सनस्क्रीन क्रीम का दोस्तों प्रयोग करें, ताकि सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो आपको स्किन के ऊपर डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। साथ ही दोस्तों हम बात करें तो आप ताजा संतरे के छिलकों को पेस्ट बना करके अपने स्किन के ऊपर लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डेड सेल हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जो डेड सेल उस जगह पे जमा हो रखे हैं वो रिमूव हो सके दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ होम रेमेडी के बारे में, जिसे हम अपने घर पे कर करके अपने स्किन का जो डेड सेल है उसे आसान तरीके से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्याला लेना है दोस्तों। जब हम प्याला ले लिए तो कॉफी का दो सचिट लेना है, दो पुड़िया लेना है, और दोनों पुड़ियों को फाड़ करके उसके जो पाउडर होते हैं उस प्याले में निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों हमें नींबू का जरूरत पड़ेगा। नींबू का जो रस होती है उस रस को एक चम्मच निकाल लेना है। फिर उस नींबू के रस को उस कॉफी के पाउडर में मिक्स कर देना है। उसके बाद हमें शैम्पू का जरूरत पड़ेगा। हमें दोस्तों सबसे छोटा सचेट किसी भी ब्रांड का जो शैम्पू होती है वह ले सकते हैं। एक पुड़िया उसमें डाल देंगे और डालने के बाद यह तीनों को दोस्तों मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हमारे स्किन पे जिस जगह पे ब्लैक स्पॉट है, जिस जगह पे हमें काला लगता है, हमें लगता है कि इस जगह पे मैल जमा हो गया है, उस जगह पे लगाना है। और अच्छे तरीके से दोस्तों उस जगह पे लगा करके उसको मालिश करना, उसे रगड़ना है, और रगड़ने के बाद 10 मिनट आप उसको छोड़ दें। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप उसे वॉश करें। ऐसा आप सप्ते में 2 से 3 दिन कर सकते हैं, और आपको दोस्तों 2 से 3 दिन करने का रिजल्ट ये मिलेगा कि आप देखेंगे कि आपके स्किन के ऊपर जो भी डेड सेल पड़े हुए हैं वह दोस्तों रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। यह दोस्तों सारी तरीके अपना करके आप ठंड एवं सर्द के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही दोस्तों अपने आप को, अपने स्किन को स्वस्थ बना सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। ये रही जानकारी दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी ठंड का मौसम चल रहा है दोस्तों, अपने सारे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करें। एवं दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल नॉलेज, हेल्थ एवं मेडिसिन से जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल। मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।